तो अब हम सब ने देख लिया है फाइनल बॉस रॉक का रिटर्न हो चुका है WWE के अंदर। लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि रॉक किसकी साइड जाने वाले हैं, क्या वो रोमन रेंस की साइड जाएंगे या फिर वो सोलो सिकोआ की साइड जाएंगे, क्योंकि भाई सोलो सिकोआ ने ऑडियंस को यही बात बोली है रॉक के रिटर्न पर। सोलो सिकोआ ने यही बोला था कि ये बारी ब्लड लाइन का पार्ट है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस रॉक को लेकर बहुत सारे अपडेट निकल के सामने है। हम सभी ने देखा भाई रॉक का रिटर्न हो चुका है बैड ब्लड के अंदर। लेकिन एक सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है कि जो रॉक है ना वो सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन के अंदर जाने वाले हैं। तो जब बैड ब्लड के अंदर रॉक आए थे तो ठीक भाई हमें ब्लड लाइन का भी सीन दिखाया जाता है, ब्लड लाइन ऑडियंस के बीच वैसे भाग रही होती है, और तभी सोलो सिकोआ सारी ऑडियंस से जाते जाते ये कहते हैं इट वॉज द पार्ट ऑफ द प्लान। सोलो सिकोआ ने ये हिंट दे दिया कि जो रॉक आए हैं वो उन्हीं के लिए वापस आए हैं, मतलब जो रॉक है वो सोलो सिकोआ की साइड जाने वाले हैं। सोलो सिकोआ ने तभी तो ऐसा कहा ऑडियंस से कि ये भी हमारे ब्लड लाइन का पार्ट है, यानी कि सोलो सिकोआ को ये चीज पहले से ही पता थी कि हमारे मैच के लास्ट में रॉक आने वाले हैं और रॉक भाई सोलो सिकोआ की साइड ही जाने वाले हैं। अभी तो बस रॉक का रिटर्न हुआ है, आने वाले स्मैकडाउन के अंदर आप लोग देखते जाइएगा रॉक भाई सोलो सिकोआ की साइड 101% जाएंगे, क्योंकि रॉक ने रोमन रेंस और कोडी रोड्स को घूरा था, तो भाई रोमन रेंस और कोडी रोड्स के पीछे रॉक जाने वाले हैं। और वो कहावत तो आप सभी लोगों ने सुनी होगी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो सोलो सिकोआ वैसे ही कोडी रोड्स और रोमन रेंस के दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त यानी कि रॉक सोलो सिकोआ की साइड जाएंगे। तो रोमन रेंस को अपने ब्लड लाइन को और भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि रोमन रेंस को एक और तगड़ा बंदा चाहिए होगा, क्योंकि सामने तो भाई रॉक आ जाएंगे। ऐसे देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी भाई अभी के हिसाब से ये अपडेट है कि जो रॉक है वो सोलो सिकोआ की साइड 100% जाने वाले हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार भी आ रहे हो तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आप सबसे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में।